श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उच्चिष्ट गणपति की साधना मैंने पहले भी दी है और आज फिर दे रहा हूँ। उच्चिष्ट गणपति का मूलभूत प्रयोग होता है वशीकरण में। उच्चिष्ट का मतलब क्या होता है? उच्चिष्ट का मतलब होता है वो जो शुद्ध ना हो, जैसे अगड़। उच्चिष्ट गणपति, उच्चिष्ट देवताओं में सबसे उत्तम, सबसे ऊपर गणपति को रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि गणपति के का जो शरीर बना वो माँ भगवती के शरीर के मल से बना। तो शरीर के ऊपर का जो लेपन था उसको निकाल करके माँ ने गणपति की मूर्ति बनाई और उसमें फिर प्राण दिया। तो क्योंकि वो शरीर के ऊपर का मल था इसलिए उनको उच्चिष्ट माना जाता है और उच्चिष्ट देवताओं में सबसे ज़्यादा गणपति की पूजा होती है। उच्चिष्ट गणपति का जितना भी मंत्र है वो चाहे तो ऋण मुक्ति का है रिद्धि सिद्धि के कारण, या ज़्यादातर जो मंत्र है वो वशीकरण में प्रयोग होता है। आज जो विद्या आपको मैं बताने वाला हूँ वो उच्चिष्ट गणपति की साधना से जो आपका कर्म है उसको काटने के लिए है। आप सभी जानते हैं कि भाई गुरु मुख होने से गुरु आपके कर्म काटते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो गुरु भी नहीं काट सकते, क्योंकि गुरु को पता होता है कि आपके अगर सब कर्म को काट दिया जाए तो अगले जीवन में आपको ज़्यादा परेशानी होगी। वैसे में तंत्रोक्तर विधि में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे वो कर्म न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो अगर सही आपको बताऊं तो उच्चिष्ट गणपति तंत्र में गणपति की साधना नहीं है इस चीज़ को कम करने के लिए, बल्कि उनका जो वाहन है मूषक उसकी साधना है। जो सैटर्न है ग्रह वो पाप दर्शाता है और जो मूषक है गणपति जी के साथ वो यमराज हैं, मतलब मृत्यु के देवता। वो क्या करते हैं कि वो सभी को नरक लोक तक घींच कर ले जाते हैं ताकि उनका जो पाप कर्म है उसकी सज़ा उनको मिले। तो यम को एक चूहे में बदल दिया गया और उनको अपने कर्मों को काटने के लिए गणेश का वाहन बनना पड़ा। और उससे क्या हुआ कि यमराज का जो भी कुकर्म था, जो बुरे कर्म थे, वो सब समाप्त हो गए। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने पूर्व जन्म के कर्म से कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। किसी को धन नहीं, किसी को शांति नहीं, किसी को संतान नहीं, ठीक है। इन सब के लिए जो मूलभूत कारण होता है वो चाहे तो पहले का कर्म होता है या देव कृपा ना आना होता है। जो गणपति, उच्चिष्ट गणपति का जो मूषक है उसकी साधना को करने से और गणपति को अपने सर पर बैठा के पूरे विश्व की परिक्रमा, विश्व परिक्रमा किसको कहते हैं? जब शक्ति और महादेव, मतलब शिवलिंग की आप परिक्रमा करते हैं तो उसको ही जो है हम पूरे विश्व का परिक्रमा मानते हैं, ठीक है। तो इसका विधान क्या होगा? इसका विधान होता है कि आप सबसे पहले शिव मंदिर में चले जाएं, ठीक है। शिव मंदिर में जा करके गणपति का ध्यान करें। देखो, जब आप ये साधना करोगे तो आप एक तो स्नान करके बैठोगे, ठीक है, पश्चिम दिशा में बैठोगे, लाल वस्त्र लाल आसन लेकर के बैठोगे। और बैठने का इसमें आपको मौका बहुत कम ही मिलता है। जितना देर आप धूप दीप नैवेद्य दिखाओगे तब तक ही आप बैठ सकते हैं, नहीं तो पूरे समय आपको आधा परिक्रमा, मतलब साउथ की तरफ से शुरू करना है और जो अर्घा है वहां तक जाना है, फिर वापस आना है, इस तरीके से परिक्रमा करते रहना है, ठीक है। तो इस साधना को करते कैसे हैं? सबसे पहले ईस्ट की तरफ देखते हुए, ठीक है, महादेव को प्रणाम करेंगे, फिर गणपति का ध्यान करेंगे और बोलेंगे ओम अंग अनिमायै नमः स्वाहा। फिर
साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे और बोलेंगे, मतलब अग्नि कोण, ओम प्रम प्राप्तये नमः स्वाहा। फिर दक्षिण की तरफ, ओम मम महिमायै नमः स्वाहा। फिर साउथ वेस्ट की तरफ देखेंगे, बोलेंगे ओम इम ईशित्यायै नमः स्वाहा। फिर वेस्ट की तरफ देखेंगे, ओम वम वशिताये नमः स्वाहा। फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे ओम कम काप वसिताये नमः स्वाहा। फिर नॉर्थ की तरफ देखेंगे, बोलेंगे ओम गम गरिमायै नमः स्वाहा। ठीक है, और अंत में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे, ईशान, और बोलेंगे ओम सिम सिद्धये नमः स्वाहा। इतना करके फिर बैठ जाएंगे और ओम गम गणपतये नमः का जाप करेंगे, एक माला। ओम छोड़ भी सकते हैं, ओम छोड़ना ज़्यादा उचित रहेगा। जो एक विषय मैं भूल गया, वो कि जब आप स्नान करके यहाँ आएंगे तो मुख में पान रख लें। मुख में पान रखने से क्या होगा कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं रहेंगे, आपका मुंह जिह्वा जो है जूठा रहेगा और आप उच्छिष्ट रहेंगे। ठीक है ना। इतना इसको करने के बाद आपको महादेव के सामने, मतलब सामने का मतलब है टूवर्ड्स साउथ, वहाँ खड़े हो जाना है, और वहाँ से फिर चलते हुए अर्घे की तरफ जाना है नॉर्थ, और फिर घूम करके आना है, और उसके बाद मूषक का ध्यान करके ये मंत्र बोलना है। ओम मम मूषिकायै गणाधि पावाहनाया धर्मराजाया स्वाहा। ठीक है, ये बोलते हुए आपको 108 बार परिक्रमा करना है। कहते हैं कि जितना जितने माला परिक्रमा करते हैं उतना कर्म कटता है, तो जो जिनको लगता है कि उनका कर्म उन पर ज़्यादा भारी पड़ रहा है, वो इस विधान को हमेशा करें। देखो, याद करने का विषय है, पहले तो जितना दिशा है उसको प्रणाम किया, गण गणपतये नमः का जाप किया, और उसके बाद अंत में वाहन मंत्र कर लिया। सिर्फ इतना करने से जो भी जीवन में कष्ट आपको आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण आ रहा है, ऐसे कष्ट जो कोई भी तांत्रिक, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल, कोई भी पूजा पाठ, किसी भी तरीके का निवेदन आहार करके आपका नहीं छूट रहा है, इसका मतलब उसके पीछे आपके पूर्व जन्म का कर्म है, और उस कर्म को काटने के लिए आपको इस विधान को करना चाहिए। बाकी गणपति महाराज है, सब देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो 9431188585 इस नंबर से जुड़ सकते हैं। इसमें तंत्र का जो शुरुआती विधान है वो हम आपको सिखाते हैं, उसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये सारे विषय हम आपको बताते हैं। जिनको मेरा लिखा हुआ लेख है, आगामी कार्यक्रम जानना है, वो www.aghortantrarahasya.com पर जा सकता है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अत्यंत गंभीर समस्या होने पर 9431188585 इस पर व्हाट्सएप करें। आज के लिए इतना ही। गणपति आप सभी को खुश रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।